पुल लेना, पुल लेके नदी लेके पुल लेना। पुल की तरह घुमाने बड़ा बन के आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अभी खींचे ना खींचे। पप्पू जरा भाई, ये हमारा ड्राइवर उस्ताद जो कि हमारे सफ़र के हमारे साथी हैं, अभी कमेंट्री करते हैं। अरे लेना मेरा अच्छा नहीं आता। कहाँ से आए हम लोग? हम तो लखनऊ से आए हुए। लखनऊ से हैं तो यहाँ क्या करने आए? तुम्हारे साथ आए, तुम यहाँ ले आए, बताओ आप बताओ क्या क्यों लाए हो? अच्छा ठीक, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो? नहीं, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड बहुत सही बात बोल रही, तो टेप भी हो गया अभी। घर से दूर आए मिलने के लिए। कभी फिर तक क्लिक हो गया आपकी फोटो, कैसे आई है ये? डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, ये घूम गई जाता, मैं क्लिक कर दिया। चलते रहे ठीक है, ऑन करिए ऑन करिए, थोड़ा चलते रहे। ऑन ही है, ऑन है, नहीं नहीं रिकॉर्ड आ रहा। पर हाँ, सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पर। मैं हूँ मोहनचंद और हम सभी लोग जो है नारायण आश्रम की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। मेरे साथ में है ड्राइवर अमर बहादुर चंद और एक विशेष अतिथि आए हैं हमारे के एस नबलचाल जो कि बनारस से आए हुए हैं, हालांकि रहने वाले यही। और एक खास मेहमान आए हुए हमारे, भाभी जी कहते हैं वैसे, मिसेस चारू तिवारी। और तुलसी डॉट कॉम से तुलसी आई हुई है, ये हर्षिता, हाँ ये सुखी। हाँ भाई चारू भाई जल्दी उतरो, बोलो बच्चों की आई? अरे यहाँ ला कमेंट्री करें, तुम खाई यहाँ, देखो हम इस तरह खड़े हैं झरने के पास जो कि एक नेचुरल झरना है यहाँ पर का। ये धारमा घाटी को जाने वाला रास्ता है और हम अभी लगभग आधे रास्ते पे पहुँच चुके हैं नारायण आश्रम के। ये देखिए झरना, देखिए आप, क्लोज करना। और झरना नीचे मिलता हुआ नदी पे, नदी को पूरा मिलता है। क्या हुआ? अच्छा धरना ले लिया और क्या? तो नाना फिर कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। हाँ हाँ। मौसम कैसा है? मौसम बहुत सुहाना है। चलिए ठीक है, हमारे छोटे भाई पप्पू यानी अमर बहादुर चंद हमें बुला रहे हैं, आइए गाड़ी के फोटो खींचते हैं। उस्ताद जी ले जाएंगे, नारायण आश्रम ले जाएंगे जो कि पूरी जिम्मेदारी है इस कच्चे पक्के सड़क को ले जाने के लिए। एक फोटो जरा अच्छी से ले लो भाई। चलो आधा ले दो। देखिए कितना खतरनाक रास्ता है ये, कुछ नहीं है पहले कैसा था। अरे यार ये तो बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया है यार, ये तो ये लगता ही लग रही है वैसे, डाबर नहीं है बाकी तो हिल रहा होगा यार, इतने में तो आ जाती गाड़ी है। ये तो देखो खाली डरा दिया पहले ही। अब यार तो नीचे छिरकला दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है छिरकला, वो आगे छिरकला। अच्छा वो नीचे जो दिखाई दे रहा है वो छिरकला है। हाँ वो छिरकला। कितनी ऊंचाई पर होगा? 5000 फीट। 5000 फीट पर होगा, इसका मतलब 5000 फीट ऊपर चल रहे हैं छिरकला से।
अभी तो कुछ पक्की सड़क दिखाई दे रही है यहाँ पर, देखिए कहीं कहीं पर, ये हमारा सौभाग्य है। भैया पीछे इन लोगों की भी खींच लो भाई। अच्छा लो, ये पीछे भी रेजारी बैठी हुई है। हाँ भाई, हाँ भाई, हेलो, बोलो। मर्शिदा तिवारी है। वो हाथ से ड्राइव करते हैं और वो थोड़े से काले भी है। मेरा नाम विजय है। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा गाना गाती है। मुझे तो बोलना था। हाँ चलो बोलो। हेलो सर, थोड़ा पीछे को पीछे। हेलो, हाँ बोलो। मेरा नाम मानु है। मेरे पापा का नाम मोहन है। मेरे पापा का नाम मोहन चंद है और मेरी मम्मी का नाम तुलसी सिंह बिष्ट है। अबे और मेरी दीदी का नाम थोड़ा पीछे चला, तेरे सपोर्टर नहीं आ रही। हां आप बोलो। छोड़ो। और मेरी दीदी का नाम श्रुति। और मेरी दीदी का नाम। अभी कहां जा रहे हो आप? अभी हम नाराश्रम जा रहे हैं। तू बोल। और मेरी दीदी का नाम श्रुतिका चंद है। अच्छा चलो भैया, और बहुत अच्छी है। तू नेपाल जा रही, बैठे हमारे संग में। और वो पीछे नाना बैठे हुए हैं। बहुत गलती है। मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड अंकल इधर। मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड का नाम मोहन अंकल है। अच्छा। चलो भाई, टीम आ चुकी है हमारी। हां दो है। अच्छा टीम की हालत बहुत बुरी। बैठे पूरी हो गई। नहीं, मेरे गर्दन में दर्द है। और चलो दवा रखी खा ले। अरे पप्पू गाइड भाई बताओ जरा, यहाँ से रास्ता पैदल गया क्या? हाँ फोटो खींच रहे पीछे पीछे। अरे पप्पू गाइड बताओ यार, मेरा नाम अजय गाड़िया। अरे गाइड तो तुम ही यार। हाँ तुलसी देवी, कैसी हालत है आपकी? चंगे। सर तू सीट पर थोड़ा सा लेटे थे। हमारे वाहन स्वामी जीवन सिंह बछेड़ा जी, पिंक कलर की शर्ट में, जिनकी सौजन्य से टूर संभव हुआ है। मेरे पाँव में खुजली लगी। तुलसी यहाँ से गाना शूट हो सकता है यार। मानो पापा को देखो, पर देखो कैमरा खींच रहे हैं। आज इंडियन आइडल में लाइव दिखाया जाएगा। इंडियन आइडल कौन सा आता है? क्लोज अप लो ना चेहरा, अभी तो गाने का दौड़ के आ रहा हूं। दौड़ के आ रहा है। परेशान करने में लगी हुई है। अबे चार बच्चे हैं। अरे बच्चे क्या करो? दो बेटियां चार बेटे इनके हैं। ये हमारी पहले मैं चश्मा पहनूं। मेरे पीछे आप जो सुंदर सा ग्राउंड देख रहे हैं, ये नारायण ग्राउंड है। सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, ये नारायण की बिल्डिंग है। इसके झुरमुट में जो है यहाँ पर आश्रम है। पीछे सामने एक टॉप दिखाई दे रहा है इसका।
देखिए मौसम यहाँ कितना सुहाना है, ये आप खुद ही फील कर रहे होंगे। नरम नरम ठंड है, कोई स्वेटर की जरूरत पड़ सकती है थोड़ी देर में। और सामने हमारे वो पप्पू घाट बैठे हुए हैं सामने। पप्पू घाट से हाथ खड़ा करो। अच्छा जूम हो गई नहीं बस गया इस तरह। तो ये अपने आप आता है अब आपको ले चल रहे हैं शून्य समाधि की ओर, जहाँ स्वामी जी की शून्य समाधि है। कहते हैं वहाँ जब बिस्तर बिछाते हैं और सुबह जब उठते हैं तो उसमें सलवटें पड़ी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि रात को आके वहाँ पर आज भी विश्राम करते हैं। आइए चलते चलो, चलते चलो, धीरे धीरे चलना देव। हेलो मोहन अंकल, आप कैसे हैं? हेलो मोहन अंकल, कैसे हैं? मेरे पापा से मिलूंगा, नाम चारू तिवारी है। बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे गाँव बहुत। अब पप्पू गाइड जरा इसके बारे में बताओ यार। मैं गाइड नहीं हूँ, पहले मैं जो वहाँ पूछिए थे क्या है। मैं गाइड हो रही हूँ, मेरी पोजीशन हो गई। आइए सुनने के टूर की ओर, चलो पप्पू गाड़ी से जल्दी आइए। आप जी बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। नींद ठीक आई? अरे नींद बिल्कुल बढ़िया आई। अच्छा मजा आया। हाँ भाई आइए, ये हमारे सेकंड कैमरामैन है नारायण का, जिन्होंने भरपूर सहयोग दिया है। आपकी फोटो बहुत अच्छी आ रही है। वैसे अच्छी आ रही है। हाँ पप्पू गाइड जरा बताओ जरा। मैं गाइड छोड़ी चश्मे में जम रहे हो यार, गाइड नहीं भाई।
चश्मे जम उतार देता हूँ अभी, अब नहीं, अब जम रहा हूँ बहे क्यों मेरे अच्छा दांत लगा रखा है मैंने, वरना दस रुपये किलो बिकता है कीड़े नहीं, वो तो कीड़ा हुआ बहुत महंगा जी का ले रहा है तो मेरे में कुछ नहीं आ रहा यार, आप बहुत लेट कर रहे हो, जल्दी नहीं चलो ना, रुकना पड़ेगा। अरे वहाँ तो पहले ये तो 13 किलो वजन है इसका, मुश्किल से होगा 15 किलो, नहीं 13 किलो है, अभी आने से पहले वेट कराया, तबियत खराब हो रही थी ना, डॉक्टर दिखाया करा, हाइट तो 4 साल की है लेकिन वेट इसका 3 साल का। चलो चलो चलो, ये भी खिसकने वाला हो रहा है ना। इन लोग का भी पकड़ना पड़ेगा, चलो चलो टॉर्च का टॉर्च पकड़ा है कल से लगातार, जिद्दी रह गया है, 3-4 टॉर्च लटका दिया ना तब जाके। अच्छा पप्पू गाइड बताओ, इस समय हम कहाँ जा रहे हैं? मैं गाइड नहीं हूँ वो हमको पहचान दे आप, वो सामने से खड़ी है, ये हाँ सामने खड़ी है, वो हमारी दादा की गर्लफ्रेंड है। Hello, my name is Chuti भाई, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अरे मुंह की छुपा रहे बोतल को बंद निकाल रहे, घोड़ा गाड़ी भैंसा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी भैंसा गाड़ी, गाड़ी उठाते हुए धड़ लाड़ उड़ी थी, तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारी गाड़ी। हेलो माय नेम इज श्रुति कचर, आई एम फ्रॉम क्लास 5th एंड आई एम ऑल्सो नदी है, एंड आई एम इन नारायण आश्रम, नदी है बाबा, नदी ना, आई एम क्लाइंबिंग द माउंटेन। ओके ओके, एंड टुडेस थॉट इज बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। हाउ इज नारायण आश्रम? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, वेयर इज योर मदर? मक्खी बैठ गई पैर में, देखो भैंसा गाड़ी मक्खी काट दी है यार। हाँ जी पप्पू गाइड बताओ जरा, जरा यहाँ पर बैठे हैं इसके बारे में बताओ जरा। पहले बैठ जाता हूँ, बड़ा मजा आ रहा है बड़ा मजा आ रहा है बड़ा। बिज्जू तो मानू की तरफ को जा बेटा, बिज्जू मानू की तरफ को खिसा के डाल दे, बेटा कुछ काट लेंगे तुम लोग, खिलाओ नहीं कुछ उसको, वो काट लेगा तुम्हें भी। चलो जाओ जाओ, अपने आप कुछ नहीं करेगा, कुछ खड़े रहो, खड़े रहो, चला जाएगा अपने आप, कुछ नहीं करेगा। अबे कुत्ता ऊपर के पुलिस आ गया और भी है, तो रोज इसे चलता करता है, तो कमजोर हो जाती है, स्टाइल मारना भी तो जरूरी है लड़कियों का। अरे गिरेगी ना, चलो हम भी ये नए जमाने के बच्चे कटांग भर के अभी से इतने फैशनेबल हो गए हैं, हम लोग को इस उम्र में फैशन की अकल ही नहीं थी ना। देखो पता नहीं उम्र की ना शादी के बाद में आपको
कोई तो मुझे खुजली लगती है कि मैं खुजालते खुजालते जो उंगली घिस जाती है। अरे मीट तो नहीं खाता है पता? मीट नहीं खाते बेटा। मीट वाला सुनिए। पापा की तो पिच्चू प्लांट। यार विनस फ्लैट रैप। यार ले काटे काटे ऊपर काटे। वो चुप थे यार। मक्खी। मालूम उसके पास मत चलो। चलो चल दे। चलो। तो लिया। तेरा देख। चलो आओ। ये बीच का निकाल दे बीच। जूम करके निकाल दे। कितने बड़ा खाते हैं क्या हो गया ऐसा मत किया कितने से तोड़ का भी ध्यान रखो नहीं नहीं वो तो सब बराबर हो गया कल ये तेरा मोटा ना भी अच्छी बात पापा इनके साथ यही परेशानी है रोटी दो खाएंगे परोठे पांच खाएंगे मैंने खा लिया हाँ खा लिया मैंने पप्पू कितने खाए मैंने अभी चार खाए पांच ही के इंतजार कर पापा गए पापा इसके ताश के बैठे डाउन हो गए ताश बहुत अच्छा हुआ आज ही कर दो चलो मेरे खिलाड़ी कितने हो गए ना तुमने इसको हर समय चलाया कुछ नहीं होगा उससे अब तो अब मेरी दादी के गांव में चल जाएगा बता जब मैं सोच लिया सोच ले हेलो मैं हेलो मेरा नाम श्रुतिका चंद है और मैं हूँ खानी गांव में पापा थोड़ा पीछे हो वो मेरी मम्मी कपड़े धो रही है ये यहाँ पर जो है कल बरसात के बाद जो है जो कपड़े गंदे हुए थे उनको धो रहे हैं तुलसी चंद अंकल मेरे यहाँ पर आलू हो जा रहा है गुटके बनाए गए हाँ जी क्या बन रहा है आलू का गुटके बन रहे हैं अच्छा अच्छा चलिए ठीक है बादल गरज रहे हैं आ मैं हां भाई अपना नाम बताओ मेरा नाम संतोष वाली हैं संतोष वाली कौन सी क्लास में पढ़ते हो 9th A 9th A में जी अच्छा अच्छा चलो अपना नाम बताओ अंकल अपना मेरा अंकल अब मेरा हां रुक जा बेटा नाम बताओ ना हां भाई तू बता भाई क्या नाम है तेरा ये देख तू ना बोल यार शैतान कहीं का नाम बताओ अपना आपने बता तो दिया नाम शैतान कहीं का चल बता भाई मेरा नाम हर्षित तिवारी है मैं क्लास 4 सी में फिर मीरा मीरा नहीं 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 मैं फिफ्थ में पढ़ती हूं अभी मैं अपने छोटे अपनी मम्मी के गांव आई हूं मैं यहां पे बहुत मस्ती कर रही हूं यहां बहुत मजा आ रहा है कल रात का यहां पे बारिश हुई थी इसलिए हम लोग पूरा भीग गए थे थैंक यू चलो चलो वो कौन खड़े वहां पर चलो देव बोल हां भाई बताओ देव बोल देव मेरा नाम है तिवारी गधों के साथ खेलता हूँ थैंक यू गधों के साथ उसके साथ खेलता हूँ किसके मेरा नाम हर्षता तिवारी मैं घर में उसके साथ खेलता हूँ
अच्छा। देखो भाई ये बैल है यहाँ पर जिनकी खेती जुताई होती है। बैल भी देख रहे हैं क्या भाई? देखिए गांव है उफरानी गांव और यहाँ पर जो है दूर दूर तक कोहरा लगा हुआ है। देखिए हम खुरानी गांव में और यहाँ पर दूर दूर तक कोहरा लगा हुआ है। हाँ भाई मानो चंद कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत ठीक है। हैं? ठीक है। हाँ आम अगले ट्रिप पे जल्दी आओ, जल्दी आइए, अभी आइए। हाँ वहाँ कदू उम्र है आपके? हल्द्वानी ये कुछ यो गीता से अच्छा नाती कावट आ रही यो कावट आ रहा जैसा चला दिल से यो कावट आ रहे कावट आ रहे यो वाटी लखनऊ बेटी अच्छा जी बात आगे तो अपना बैठी गांव इधर तो आगे बढ़ेगी होगा। ये मेन द्वार हुआ, ये मेन द्वार मुख्य मंदिर हुआ है। माता जी भाई का भाभी सब लोग आए हैं। आगे तो अपना बैठी गाँव इधर तो आगे बढ़ेगी फिलहाल। ये मेन द्वार हुआ, ये मेन द्वार मुख्य मंदिर हुआ है। माता जी भाई का भाभी सब लोग आए हैं। ये सामने जो बजा रहे हैं कौन है? ये दास है हमारे जो है। अच्छा ये क्या करते हैं? ये भगवान के भक्ति में लीन हुए हैं लोग। अच्छा जी अच्छा। ये एक गण है हमारे जो मतलब इसलिए देवताओं के गण है हमारे। ये बजाते रहते हैं? हाँ बिल्कुल ये यहीं रहते हैं। है यहाँ पर अतिथि जो दूर से आते हैं लोग। अच्छा इनके रहने के लिए व्यवस्था है। अच्छा अच्छा ये बगल में क्या है? ये बाबा जी की कुटिया है, बाबा जी आज है नहीं यहाँ पे। अच्छा अच्छा इन लोगों का बारी लगती है जो प्रत्येक दिन हर आदमी की मतलब अलग अलग दिन अलग अलग रहेंगे। यहीं पे अपना जो बिजनेस वगैरह ये जा रही है, ये भक्त है उधर से आए हुए। अच्छा क्या नाम आपका? ये पुजारी है। अच्छा हरिओम पाठक है। ये हम तो आए हैं लखनऊ से आए हैं, उपराड़ गांव हमारा हुआ है। अच्छा मैं अपने मायके आई हूं। भाई इधर देखो बच्ची। अरे बच्ची इधर दे। कैसा लगा मंदिर? हाँ जी अपना नाम बताओ। मेरा नाम मनोज है। हाँ मैं अवरानी से आया हूँ। अच्छा हल्द्वानी रहता हूँ। हाँ हल्द्वानी रहता हूँ। ये अवरानी मैया के दर्शन करने आया हूँ। चलो ठीक नमस्कार। यहाँ भी दिखाई दे रहे हो क्या बात है? हमारी जगह पहुँच दिखाई दे रहे हैं के साथ साथ आते हैं हम। जहाँ आप जाते हो पहुँच ही जाते हैं। कैसा लगा मंदिर में दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा। मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पर। वेरी गुड। पहले भी आ चुका हूँ। तो कोई मान्यता वगैरह मन्नत वगैरह मांगी कोई? बस तो खाली एक श्रद्धा भाव से आता हूँ, ऐसा कोई खास। सब सुखी रहे खुशी रहे यही मेरी एक। चलिए बहुत अच्छी बात है। इधर ये कोई देवी जी बैठी हुई है। देवी जी चाय मारियो। चाय चाय पीनी बाबूजी। अच्छा अच्छा चाय पियो। चाय
मानो मछलियाँ कैसी लग रही हैं? देखो बहुत सारी मछलियाँ, कहा जाता है कि मंदिर की मछलियाँ हैं यहाँ पर। श्रुति मानो देखो कैसी लग रही मछलियाँ, बताओ पापा को कैसी लग रही हैं? पापा इधर का, इधर बहुत मोटी वाली है। बैठ के नहीं दिख रही हूँ, हाँ भैया कौन कौन बच्चा है? अगर ऐसे उछालेगा तो मैं भी एक जना निकालना है, सब में चने बराबर है। अरे अजर छोटे पापा, आप देखिए पापा आगे जाओ, दे दिया बड़ा ऐसा एक एक करके पापा जल्दी पापा तो नहीं, अरे आया नहीं आया। चलो चलो आ गया, क्या हो Yeah.
अगर तू हाँ कह दे। Yeah.
लगता ही नहीं दिल। क्या करूं मैं क्या ना करूं है मुश्किल, तेरे बिन कहीं लगता ही नहीं दिल। क्या करूं मैं क्या ना करूं है मुश्किल, ऐसे हाल में चैन बनाए ना। अब तो अकेले जिया जाए ना, अब तो अकेले जिया जाए ना।